नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित कुमार दुबे, और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल डाउट क्लियर, जहां पे कोई भी डाउट नहीं रहेगी, सारी की सारी क्लियर कर दी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। आज हम बात करते हैं अपने इस सेशन में द हिंदी न्यूज़पेपर 11 सितंबर 2019 में आए हुए एडिटोरियल के। तो सबसे पहला एडिटोरियल है फैक्टरिंग इन सेफ्टी है क्या दोस्तों। इस एडिटोरियल का जो मोटा मोटे सार है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी भी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे हजार्स काम होते हैं या जहाँ पे क्या होता है किसी भी तरीक़े का कोई भी काम होता है, लेकिन वहाँ पे मजदूर जो कि काम करते हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था का कोई ज़्यादा अच्छा प्रबंध नहीं रहता है। जिसका बहुत ही बड़ा एग्जांपल है 4 पीपल जब मर गए थे, एक इंक्लूडिंग अ सीनियर ऑफिसर, जब ONGC के गैस फैसिलिटी में नवी मुंबई में आग लगी थी। और हाल ही में एक कांड तो हुआ ही है बाटला पंजाब में, जहाँ पर करीबन 2 दर्जन से ज़्यादा लोग मर गए थे जब एक पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई थी। तो ये सारी चीज़ें इसलिए भी हुई क्योंकि जो नॉर्म्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो नहीं किया गया। और एक जो सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ था वो तो सब मोस्टली सबको पता होगा, भोपाल गैस डिजास्टर, भोपाल गैस त्रासदी। इसका असर ये हुआ कि आज भी जो बच्चे बेचारे पैदा होते हैं वहाँ पर, किसी न किसी तरीके से वो उससे इफ़ेक्टिव हो ही जाते हैं। मैंने एक पिक्चर भी देखी थी, पिक्चर में से एक चित्र भी देखा था जिसमें भोपाल गैस त्रासदी में उस बच्चे के क्या होता है पूरा शरीर ज़मीन के नीचे धंसा हुआ था, केवल ऊपर उसका चेहरा भर ही था, बाकी में बहुत एक सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे एक चीज़ की और बात करनी होगी कि हमारी सरकार का इस बात पर तो जोर रहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो, लेकिन हम जब सेफ्टी मेजरमेंट की बात आती है, खासकर ऑक्यूपेशनल और इंडस्ट्रियल सेफ्टी मेजरमेंट की बात आती है, तो वहाँ पे हम चुप हो जाते हैं। देखिए, हाल ही में एक कोड भारत सरकार ने लोकसभा में पेश किया था, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2019, जुलाई में इसको क्या होता पेश किया गया था। इसमें 13 जो एग्जिस्टिंग लॉ हैं, माइंस, फैक्ट्री, डॉक वर्कर, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट वर्कर, इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर और इसी तरीके के और भी, इसमें सेक्टर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो वर्कर की थी उसमें बहुत ही कम ध्यान दिया गया। मतलब अलग अलग सेक्टर में अलग जो वर्कर हैं उनके जो रिक्वायरमेंट होती होगी सुरक्षा को लेके या किसी भी तरीके को लेके, उस पर काफ़ी कम ध्यान दिया गया। लेकिन इसका एक जो मेजर जो क्या होता है कह सकते हैं थ्रू बैक था, वो ये था कि इसमें एक सेफ्टी कमेटी की फॉर्मेशन की बात की गई थी और एक सेफ्टी ऑफिसर के अपॉइंटमेंट की बात की गई थी, जिसको बाद में ये कर दिया गया कि उन्हीं जगह पे ये होना होगा जहाँ पे 500 वर्कर कम से कम काम कर रहे हो। और उसके बाद भी इसको स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया कि ये क्या होता है ये स्टेट गवर्नमेंट इसमें जैसे चाहे वैसे निर्णय ले सकती है। दूसरी ओर अगर हम बात करें फैक्ट्री एक्ट की, जो कि एक क्या होता है वो अनिवार्य करता है एक बाइपार्टाइट कमेटी के फॉर्मेशन की यूनिट में, खासकर उस यूनिट पे जहाँ पे हैजार्ड प्रोसेस और सबस्टेंस रखे जाते हैं ताकि किसी भी तरीके के खतरों से बचा जा सके। क्योंकि वो कमेटी जब रहेगी तो उसे पता रहेगा, क्योंकि उसमें ट्रेंड लोग रहेंगे, एक्सपर्ट लोग रहेंगे, तो उसे पता रहेगा किस तरीके की प्रॉब्लम है, किस तरीके के खतरे इस फील्ड में हो सकते हैं, तो वो उसी के हिसाब से सारी चीज़ें कवर करेगा। द प्रोविजन क्लियरली रिक्वायर रिटेंशन इन द न्यू कोड, ये प्रोविजन एकदम मांग रहा था कि इस नए कोड द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2019 से इसको रिलेट किया जाए। अ सेफ एनवायरनमेंट इज अ बेसिक राइट एंड इंडियाज रिसेंट डिकेड्स ऑफ हाई ग्रोथ शुड हैव यूज्ड इन अ फ्रेमवर्क ऑफ गारंटी। अनफॉर्चुनेटली सक्सेसिव गवर्नमेंट हैव नॉट फेल्ट इट नेसेसरी टू रेटिफाई मैनी फंडामेंटल कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कवरिंग ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। देखिए, हमारे यहाँ पर जो भी कानून बनते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं एक कानून बन गया वो हर सेक्टर पर अप्लाई होगा।
एक अगर कोई कानून बना हुआ है तो वो मोस्टली यही होता है कि वो केवल पब्लिक सेक्टर पे ही अप्लाई होता है, प्राइवेट पे मोस्टली बहुत ही कम पड़ता है। आखिर यही रीज़न रहता है तभी ना कि सरकार चिल्लाती है कि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से छूटने ना पाए, और किसी अच्छे स्कूल में कोई गरीब अपने बच्चे का एडमिशन कराने चला जाए तो जल्दी होता नहीं है। वो बोल देंगे कि हम 10 ही एडमिशन ले सकते हैं, आप दूसरे किसी स्कूल में करा दीजिए, यहाँ करा दीजिए, वहाँ करा दीजिए। तो इसकी यही बातें हैं कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पे। और इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशन जो जो है इसका जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो ये है कि जो भी इसने रूल बनाए हैं वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के वर्कर के सेफ्टी के लिए बनाए हैं। इसमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन 1981 का भी ध्यान रखना होगा। यह दो आईएलओ इंस्ट्रूमेंट कवर सेवरल एरिया ऑफ एक्टिविटी डेट द एनडीए गवर्नमेंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड नाउ सीक टू एमलगमेट, बट विदड्रॉ विदाउट द सिस्टमेटिक रिफॉर्म डेट इज नेसेसरी टू एम्पावर वर्कर, इट इज एसेंशियल देयरफॉर डेट द न्यू कोड गो बैक टू ड्रॉइंग बोर्ड फॉर केयरफुल स्क्रूटनी बाई एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेशियन एडेड बाई फ्रेश इनपुट फ्रॉम एम्प्लॉज एम्प्लॉयर्स एंड एक्सपर्ट इंडस्ट्री दैट यूज हजारडियस प्रोडक्ट्स एंड केमिकल डिजर्व पार्टिकुलर अटेंशन एंड द कोड मस्ट हैव क्लियर डिफिनेशन। ये बहुत ही बड़ी बात है कि अब कोड जो है ये एकदम क्लियर डिफाइन होना चाहिए कि क्या काम कौन करेगा, स्पेसिफाइंग लिमिट ऑफ एक्सपोजर फॉर वर्कर्स कंप्रोमाइजिंग ऑन सेफ्टी कैन लीड टू एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंस डैट गो बियॉन्ड फैक्ट्रीज एंड लीव समथिंग डैट इज इचेड इन द नेशंस मेमोरी एज इन द केस ऑफ द भोपाल गैस डिजास्टर्स। बढ़ते हैं अगली खबर क्यों, इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे, नहीं पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। द लार्जर पिक्चर अबाउट इंक्लूसिव प्रोग्रामिंग। देखिए दोस्तों, इसके बारे में एक मोटा मोटी मैं आपको रफली आइडिया दे देता हूँ। देखिए होता क्या है, जो टीवी पे न्यूज आती है या क्या होता है सीरियल्स आते हैं या मूवी आती है, अब सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने रिसेंटली ये मैंडेट कर दिया है टीवी प्रोग्राम के लिए कि वो कैप्शन में जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं क्या उसका कैप्शन में उनको चलाएंगे। ये खासकर उन लोगों के लिए किया गया है जो कि डीप हैं, बहरे हैं या हियरिंग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो इसी को लेके चीज़ें की बताई गई हैं। 2020 तक 10% ऑफ ऑल प्रोग्राम मस्ट बी कैप्शन, मस्ट हैव कैप्शन। 2020 तक जितने भी प्रोग्राम आते हैं उसके 10% में कम कैप्शन होना चाहिए, और ये हर साल 10% की रेट से बढ़ना भी चाहिए, और कम से कम 50% तक ये कवर कर लेना चाहिए 2025 तक। यानी 50% मतलब जितने भी क्या होता है हाउस होल्ड या कहीं भी क्या होता है टीवी चल रहा है, अगर उस पर कोई भी धारावाहिक आ रही है, मूवी आ रही है, तो उसके साथ नीचे कैप्शन में वो क्या बोल रहा है वो लिखा हुआ आना चाहिए। द राइट्स, ये जो राइट्स हैं ये जिन चीज़ों की बात की गई है, ये राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत बात की गई, जिसमें ये बोला गया है कि कोई भी टीवी पर अगर कोई भी चीज़ें आती हैं जैसे धारावाहिक हो, न्यूज़ हो, मूवी हो, तो उसके लिए सब टाइटल रखना ज़रूरी है। अब जो मिनिस्ट्री के सामने जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये है कि सभी चैनल के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, स्टेट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना एंड प्राइवेट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना एज सेट इन द टाइम टेबल। बढ़ते हैं अगले। देखिए इंडिया का जो टीवी कैप्शनिंग है वो करीबन दो रीजन से काफ़ी बड़ा है। पहला तो ये है कि इट इज़ द वन ऑफ द फर्स्ट मेजर कंट्री इन द ग्लोबल साउथ टू एम्ब्रेस कैप्शनिंग द फार मीडिया SS, क्योंकि इंडिया का जो टीवी का कैप्शनिंग है वो दो रीजन से काफ़ी मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है। पहला तो इसका जो मेन क्या होता है रीजन है वो ये है कि ये एक सबसे बड़ी क्या होता है कंट्री है ग्लोबल साउथ में, जो कि कैप्शनिंग और कैप्शनिंग फॉर्म या SS को एम्बेरस कर रहा है।
ब्राज़ील एक दूसरा देश है, चूंकि ब्राज़ील जो कि चूंकि इंडिया पहला कंट्री है कैप्शनिंग के लिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ कैप्शनिंग सेम लैंग्वेज सब टाइटिंग हैज़ बीन इस्टेब्लिश फॉर मास रीडिंग लिटरेचर। देखिए दोस्तों, अब इससे फ़ायदा जान लेते हैं कि क्या होगा। जैसे कोई भी धारावाहिक, कोई भी चीज़ अगर टीवी पे चल रही हो और नीचे उसका लिखा हुआ भी आ रहा हो, तो इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो घर की लेडीज़ या फीमेल को होगा, या उन लोगों को होगा जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, या जो बहरे हैं, या न सुन सकने की किसी बीमारी से ग्रसित हैं। कैप्शन में लिखा होगा, वहीं से उन्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और वहीं से वो सारी चीज़ें पकड़ भी लेंगे। एट अ टाइम व्हेन कंट्रीज आर सर्चिंग फॉर स्केलेबल एंड एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशन टू अचीव देयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SLS इन इंडिया इफ इम्प्लीमेंटेड एज मैंडेटेड इज पोस्ट टू मेक अ मैसिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू SDG 4 ऑन क्वालिटी एजुकेशन। दिस इज बिकॉज क्वालिटी एजुकेशन फाउंडेशनली डिपेंड्स ऑन गुड रीडिंग स्किल। साइंटिफिक जो डेटा आया है, साइंटिस्ट ने जो क्या होता है एविडेंस सजेस्ट किया है SLS ऑन TV के लिए, SLS ऑन TV वुड सर्व 3 गोल: डेली एंड ऑटोमेटिक रीडिंग लिटरेसी प्रैक्टिस फॉर 1 बिलियन व्यूअर। डेली ऑटोमेटिकली क्या होता है रीडिंग लिटरेसी प्रैक्टिस करेगा 500 बिलियन के ऊपर के लोगों के लिए, जिसमें इन लोगों में वो भी लोग होंगे 500 में जो कि पढ़ सकते हैं, और पढ़ने और क्या होता है लिखने दो जो कि क्या होता है पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर हैं, ये इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि इससे उन्हें भारतीय भाषा को समझने का भी मौका मिलेगा। ओवर 1 मिलियन इंडियन लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट फॉर 1 बिलियन व्यूअर एंड फाइनली मीडिया एसेस फॉर 65 मिलियन एरली चैलेंज पीपुल। एरली चैलेंज पीपुल मीन्स क्या होता है दोस्तों? एरली चैलेंज पीपुल मतलब होता है वो पर्सन जो कि सुन नहीं सकते, या क्या होता है सुनने की किसी बीमारी से ग्रसित हैं। SLS causes automatic and inseparable reading engagement even among very weak leaders who can break decode a few letters. Regular exam exposure to SLS lead to measurable. देखिए ऐसा नहीं है कि भारत पहला है, इसके पहले यूनाइटेड यूके में भी टर्न ऑन द सबटाइटल TOTS बच्चों के प्रोग्राम में इसको डिफ़ॉल्ट किया गया था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ आएगा कैप्शन में बच्चों के प्रोग्राम में। और जब इंडिया ने इस प्लान को फॉलो करना किया शुरू किया US और UK की तरह, कैप्शनिंग को मीडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कर दिया। द UK इज़ ड्रॉइंग ऑन SLS वर्क इन इंडिया फॉर रीडिंग लिटरेसी। इंडिया इज इन यूनिक पोजिशन टू स्केल अप SLS ऑन TV फॉर बोथ गोल मीडिया एसेस एंड रीडिंग लिटरेसी। देखिए जब क्या होता है कोई भी धारावाहिक देखेंगे या कोई भी क्या होता है न्यूज देखेंगे, जब उसके नीचे कैप्शंस में लिखे हुए वर्ड्स जाएंगे तो सीरीज बात हो काफ़ी तेज़ी में जाएंगे, धीरे धीरे तो जाएंगे नहीं। जब तेज़ी में जाएंगे तो जो भी उनको देखने वाला होगा वो उसे पढ़ने की कोशिश करेगा। अगर सपोज करिए कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि है तो बहुत तेज, लेकिन उसकी रीडिंग पावर जो है वो थोड़ी स्लो है, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन एग्ज़ाम में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब वो पूरा पेपर ही नहीं पढ़ पाएगा तो वो सॉल्व क्या करेगा। और सबको पता है कि आजकल बैंक PO में ऐसे ऐसे क्या होता है रीजनिंग आ रहे हैं कि तीन तीन पन्ने के, कि अगर उनको अब तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन अगर ऑफलाइन होता तो तीन तीन पन्ने में एक एक क्या होता है पजल आते, तो उनको पढ़ने में ही पूरा टाइम लग जा रहा है, उसको वो सही से पढ़ भी नहीं पा रहा है ना ही सॉल्व कर पा रहा है। तो इससे उसको अपनी रीडिंग कैपेबिलिटी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER ने ये पाया है कि हाफ द रूरल चिल्ड्रेन इन स्टैंडर्ड 5 कैन नॉट रीड स्टैंडर्ड 2 लेवल टेक्स्ट। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में ये चीज़ें निकल के आई हैं कि जो गांव में जो
गांव में रहने वाले बच्चे हैं जो कि स्टैंडर्ड 5 क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पास इतनी भी नॉलेज नहीं हो पा रही है कि वो दूसरी क्लास के टेक्स्ट बुक को भी पढ़ पाएँ। इफ़ इंडिया इज टू अचीव इट्स कमिटमेंट टू SDG 4 ऑन क्वालिटी एजुकेशन, वी नीड सोल्यूशन बैक्ड बाई एविडेंस एंड द कलेक्टिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, एकेडमिया एंड द इंडस्ट्री टू इम्प्लीमेंट देम। सिविल सोसाइटी को ये दिखाना होगा कि कैसे SLS को इम्प्लीमेंट किया जाएगा कॉस्ट इफेक्टिवली। एकेडमिया हैज़ प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट SLS वर्क रिमार्केबली वेल टू अचीव द मल्टीपल गोल्स ऑफ मीडिया एसेस, रीडिंग लिटरेसी एंड लैंग्वेज लर्निंग। द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मस्ट प्ले इट्स पार्ट बाई टर्निंग ऑन SLS फॉर ऑडियो विजुअल कंटेंट इन ऑल इंडियन लैंग्वेज। SLS इज अ राइट, लेट अस डू द राइट थिंग। SLS बहुत ही सही चीज़ है, ना केवल उन लोगों के लिए जो कि डीप हैं या किसी भी तरीके के हियरिंग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बल्कि सभी के लिए, खासकर तैयारी करने वाले लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि हिंदी में लिखी हुई चीज़ों को काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें बोली जाएंगी उनको जब कन्वर्ट किया जाएगा तो हिंदी में ही मोस्टली किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी मूवमेंट है सरकार की। देखिए, ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन, यहाँ पर ये बात करनी ज़रूरी है कि अभी हाल में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने भगत सिंह कोशियारी, बंदारू दत्ताचार्य, आरिफ मोहम्मद खान और तमिल सई सौंदरराजन को गवर्नर नियुक्त किया है, और इसके साथ साथ कलराज मिश्र को हिमाचल प्रदेश से हटा के राजस्थान का गवर्नर बनाया। तो वही यहाँ पर ये चीज़ें बोली जा रही है कि जो भी गवर्नर हैं वो प्रेसिडेंट के आदमी नहीं है, उनका जो भी सिलेक्शन होता है उसका नाम है गुबर्नेटोरियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस, इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। अब इसके बारे में क्यों करना चाहिए, तो इसके में पहले सबसे पहले हम एक केस की बात जो कि जो कि क्या होता है केस की हम बात करने वाले हैं, लेकिन हाँ देखिए होता क्या है दोस्तों कि 30 मई 1949 को सरदार हुकुम सिंह और एक क्या होता है एक नेम क्या होता है पैनल ऑफ नेम देना चाहते हैं, इन फेवर ऑफ प्रोवाइडिंग अ पैनल ऑफ नेम इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटर फॉर द प्रेसिडेंट टू चूज फ्रॉम फॉर द गवर्नर पोस्ट। फेलो मेंबर जो उनके होते हैं अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर इस बैक्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट विद द होप दैट द कैबिनेट एट द सेंटर वुड आल्सो बी गाइडेड बाय द एडवाइस ऑफ द स्टेट कैबिनेट, कि कैबिनेट जो भी डिसीजन लेगी वो स्टेट कैबिनेट से राय लेके ही करेगी। लेकिन होता क्या है दोस्तों आज की डेट में कि जो भी रूरल पार्टी होती है वो अपने ही पार्टी के किसी नेता को गवर्नर बना देती है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीपी सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2010 केस में ये कहा गया है कि गवर्नर इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट नॉर द एजेंट ऑफ द पार्टी इन पावर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्ट अंडर द डिक्टेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं उस बात कर रहा था वो पिछले वाले केस की कि द गवर्नर एबव पार्टी पॉलिटिक्स एबव फ्रैक्शन एंड नॉट टू सब्जेक्ट हिम टू द पार्टी अफेयर। देखिए, गवर्नर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जिस पार्टी से वो बिलोंग करता है, रूलिंग पार्टी से अगर बिलोंग करता है, तो फेवर में कोई भी काम ना करे, वो न्यूट्रल बना रहे। इसी चीज़ को क्या होता है इस मूवमेंट का स्वागत करते हुए प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वो ऐसे पर्सन को गवर्नर बनाना चाहेंगे जो कि गवर्नमेंट को भी एक्सेप्टेबल हो और उस जगह जहां का वो गवर्नर बनाया जा रहा है उस जगह को भी एक्सेप्टेबल हो, और इसके साथ साथ ही मस्ट नॉट बी नोन टू बी अ पार्ट ऑफ द पार्टी मशीन ऑफ द प्रोविंस। क्यूरियसली लुक एट द गवर्नर्स हु हैव बीन अपॉइंटेड सिंस 1950 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस दैट द फियर एक्सप्रेस्ड बाय द वेरियस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली व्हाट नॉट इमेजिनरी। जो समय इन लोगों ने सरदार हुकुम सिंह और क्या होता है
अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन लोगों ने जो कहा था कि क्या होता है, गवर्नर ही गवर्नर रूलिंग पार्टी का ही होगा, तो सीधी बात है उसी के फेवर में बोलेगा, उसी उसी पार्टी के फेवर में बोलेगा, दूसरी किसी पार्टी की बात सुनेगा ही नहीं, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो हमेशा अपनी पार्टी के फेवर में ही खड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये गलत है, गवर्नर को एकदम न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड एज अ वाइटल लिंक बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन गवर्नमेंट इल्यूसाइडेटिंग द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द गवर्नर द सुप्रीम कोर्ट स्पीकिंग थ्रू जस्टिस आर वी रविंद्रन सेड डैट द गवर्नर, मैंने आपको पहले भी कहा था, खुद ही बोल दिया था, द गवर्नर इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट नॉर द एजेंट ऑफ द पार्टी इन पावर नॉर रिक्वायर टू एक्ट अंडर द डिक्टेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। गवर्नर्स की इन चीज़ों पे एक सरकारी कमीशन भी आई थी जो कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे बनी थी, और इस नेशनल कमीशन ने रिव्यू करने के लिए कहा था, रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल है प्रिटेटेड दैट अ गवर्नर अपॉइंटी शुड बी अ पर्सन हु हैज नॉट टेकन टू ग्रेट अ पार्ट इन पॉलिटिक्स जनरली एंड पर्टिकुलरली इन द रिसेंट पास्ट, मतलब वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ना इन्वॉल्व रहा हो कभी भी, और खासकर पास्ट में। अनफॉर्चुनेटली द प्रेसिडेंट हैज़ ओवरलुक्ड दिस इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन विच इज क्रिटिकल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फेडरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एज सच दिस री इग्नाइट द डिबेट अराउंड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इट्स अपॉइंटमेंट एंड प्रोसेस इन वॉल्व। तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, और ये ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है, इसके पहले भी जब भी हुआ है, जो भी रूलिंग पार्टी में रही है उसने अपने ही आदमियों को एज ए गवर्नर नियुक्त किया है, लेकिन ये एक गलत ट्रेडिशन के रूप में बढ़ता चला जा रहा है। तो इस पर सरकार को भी रोक लगाना, इसको इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए। बढ़ते हैं अगले एडिटोरियल की ओर। वन ईयर आफ्टर नवतेज जौहर इमेजिनिंग एंड इक्विटी लॉ, देखिए ये जो ऑर्बिट एडिटोरियल है इसमें इक्विटी की बात की गई है, इसमें ये बताया गया कि हमारे देश में अलग अलग कानून तो हैं, लेकिन उसमें कोई भी कानून ऐसा नहीं है जिसमें सभी को इक्वलिटी का दर्जा दिया जाए। कुछ कानून हैं वो किसी पर्सन विशेष को ही दर्जा देते हैं, कुछ कानून हैं जो कि एक सेक्टर के अंदर में ही क्या होता है इक्वलिटी का और सिक्योरिटी का दर्जा देते हैं। यहाँ पे बात करना चाहेंगे हम कि जो कौन कौन से यहाँ पे क्या होता है राइट्स हैं। पहला तो है राइट ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटी एक्ट 2016, लेकिन इस एक्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये भी जो काम करेगा वो उन्हीं लोगों के लिए काम करेगा जो कि डिसेबल्ड होंगे, अब खासकर पब्लिक सेक्टर में होंगे, अगर उनके साथ वहाँ पे किसी भी तरीके का भेदभाव होता है, अनइक्वलिटीज वाला क्या होता है एक्शन होता है तो वहीं करेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में वो भी नहीं काम करेगा। लेजिस्लेशन सच एज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये कुछ हद तक डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट मतलब भेदभाव वाले काम को क्रिमिनल ऑफेंस प्रोवाइड क्या होता है जाहिर करते हैं, लेकिन वो भी क्या होता है सरकारी सहायता नहीं देते हैं, इसलिए बट डू नॉट प्रोवाइड सिविल रेमेडीज फॉर इंजंक्शंस और डैमेज फॉर एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन सरकारी सहायता या सरकारी क्या होता है हाथ सरकारी सहायता नहीं देते हैं अगर क्या होता है किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन से कोई लॉस हुआ हो। उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वोमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रीड्रेसल एक्ट 2013, इसको भी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क में तक ही लिमिट कर दिया गया, मतलब अगर क्या होता है सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है अगर किसी वुमेन का तो अगर वो घर क्या होता है वर्किंग पे हो रहा है तो वहीं तक इसको इनको क्या होता है लिमिट कर दिया गया। द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल 2019, इसमें केवल ट्रांसजेंडर की बात की गई है या इंटरसेक्स पर्सन राइट के राइट्स की बात की गई है, और वहाँ पे इसमें बिल के बारे में काफ़ी सारा क्रिटिज्म भी है, सूचनाएँ भी होती हैं इस बिल की।
द राइट ऑफ इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन आर नॉट कवर्ड अंडर दिस बिल। और जो लेजिस्लेशन की पहुंच है वो आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ना केवल ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन बल्कि जेंडर आइडेंटिटी एंड एक्सप्रेशन, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, एज, डिसेबिलिटी, मैरिटल स्टेटस, प्रेगनेंसी, नेशनलिटी एंड अदर ग्राउंड पे भी क्या होता है, ऐसे लॉ बनाए जाने चाहिए जो कि सबको इक्वलिटी प्रदान करें। द लॉ शुड इम्पोज ऑब्लिगेशन ऑफ इक्वलिटी एंड नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ऑल पर्सन पब्लिक एंड प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। और खासकर कौन कौन से एरिया में, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, लैंड एंड हाउसिंग एंड एसेस टू पब्लिक प्लेस में। इसको हमेशा जो भी लॉज बनाए जाएं उनको उनमें हमेशा इस चीज़ की सुविधा रहे कि सिविल रेमेडीज हरदम प्रदान करने की सुविधा रहे ताकि किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेटरी ना हो और नहीं उस डिस्क्रिमिनेटरी की वजह से किसी भी तरीके का कोई नुकसान हो किसी भी पर्सन को या किसी भी सेक्टर को। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी नीड एन इक्विटी लॉ टू डिफाइन व्हाट इक्वलिटी वुड इनकंपास। यहाँ पे एक केस के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, के एस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। दैट इक्वलिटी एंड लिबर्टी कैन नॉट बी सेपरेटेड एंड इक्वलिटी इनकंपासेस द इंक्लूजन ऑफ डिग्निटी एंड बेसिक फ्रीडम्स। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट एडिटोरियल इफ एनी। फेसिंग अप रियलिटी, देखिए ये चंद्रयान 2 के बारे में है। देखिए इसरो ने अपने अभी आप सभी लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है, इसरो के जो भूतपूर्व चेयरमैन रह चुके हैं 2009 से 2014 तक के राधाकृष्णन, उनकी एक बुक आई थी माई ओडिसी मेमोरीज ऑफ द मैन बिहाइंड द मंगल यान मिशन। तो इन्हीं चीज़ों पे के बारे में इसमें बात की गई है कि ठीक है, हम भले ही क्या होता है चंद्रयान 2 हमारा केवल लोगों की नज़र में ये है कि फेल हो गया, लेकिन सच्चाई यही है कि ये केवल 5% ही फेल हुआ है लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग के समय उसे कनेक्शन टूट जाने की वजह से, अदरवाइज़ ये 5% पूरा का पूरा सक्सेस ही हुआ है क्योंकि जो ऑर्बिटर है वो हमको सूचनाएं भेज रही है। लेकिन यहाँ पे ये भी जानना ज़रूरी है कि इसरो चंद्रयान 2 को काफ़ी स्पेशल बता रहा था। वो क्यों बता रहा था ये जान लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पहला अपनी तरीके का स्पेस मिशन था जिसमें मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। पहला ऐसा क्या होता है स्पेस मिशन था जिसमें भारतीय एजेंसियां लूनार के सरफेस पे लैंड करेंगी, वो भी किसके साथ, होम ग्रोन टेक्नोलॉजी के साथ। अब पहला ऐसा फर्स्ट इंडियन मिशन था जो कि लूनार के टेरेन को एक्सप्लोर करेगा विथ होम ग्रोन टेक्नोलॉजी। और ये इस तरीके से अगर सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली हो जाती तो इंडिया केवल चौथा ऐसा देश बन जाता जिसने सॉफ्ट लैंडिंग कराई होती चंद्रयान 2 पे। जो चंद्रयान 2 है ये स्टार्टिंग में जब इसके बारे में घोषणा की गई थी तब ये इंडिया और रसिया का एक कोलाबरेटिव मिशन था। इंडिया ऑर्बिटर बनाता, ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट बनाता और लॉन्च करता GSLV रॉकेट से, और रसिया को जो था वो प्रोवाइड करना था लैंडर और रोवर, जो कि लैंडर का नाम हमने अपने भारत में बनाया है जिसका नाम विक्रम है, रोवर का नाम प्रज्ञान है। रसिया ने उस समय ये कहा था कि वो केवल लैंडर देगा, लेकिन बाद में रसिया ने इसमें से भी अपना हाथ खींच लिया जिसकी वजह से लास्ट में आके इंडिया को खुद ही लैंडर और रोवर दोनों को बनाना पड़ा, दोनों का डिजाइन तैयार करना पड़ा। इसी रीजन से चंद्रयान 2 का ये मिशन 4 साल डिले हो गया और उसके पहले इंडिया का मार्स मिशन कंप्लीट हो गया। चंद्रयान 2-1 जो है वो 2008 में लॉन्च हुआ था जिसमें लूनियर ऑर्बिटर और एक मून इंपैक्ट प्रोब दैट क्रैश लैंडेड ऑन द लूनर इक्वेटर सरफेस। जो लैंडर है हमारा वो लूनर के इक्वेटर पर क्रैश हो गया है। द की डिफरेंस इज दैट चंद्रयान 2 प्रोपेल्ड बाई द GSLV MK3 रॉकेट वेंट ऑल द वे इन टू अ लूनर ऑर्बिट।
दिस प्रूव्ड दैट इसरो हैज़ मास्टर द न्यूसेंस ऑफ द क्रायोजेनिक इंजन, यानी इसरो ने इस क्रायोजेनिक इंजन में मास्टर हो गया है। अब वो किसी भी तरीके का कोई भी यान क्या होता है लूनर के ऑर्बिट में इंजेक्ट कर सकता है। विच अलाउ रॉकेट कैपेबल ऑफ कैरिंग हैवियर पेलोड टू बी डिजाइंड, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट ट्रूली प्रोपेल्स इंडिया इनटू द लीग ऑफ स्पेस पावर। इंडिया को अब कम जल्द ही ज्वाइन कर लेगा इंडिया रियल फील्ड क्लब ऑफ नेशन, जिन्होंने अपने क्या होता है कदम बढ़ाए हैं चंद्रमा की ओर और सक्सेस भी हुआ है, जिनमें यूएस है, रसिया है, चाइना है, इन लोगों ने सक्सेस भी पाई है इन्होंने। अगर आगे बात करें इसरो के बारे में तो इसरो के जो फाउंडिंग चेयरमैन है थे वो विक्रम साराभाई थे, जिनके नाम पे ही ये बना था, इसरो को बनाया गया था। दोस्तों बहुत ही खुशनुमा एहसास होता है ये देख कर कि आज हम चंद्रमा, मंगल, सूर्य पे जो हमारा क्या होता है अगला मिशन जाने वाला है आदित्य L1, जो हमारा गगनयान मिशन जाने वाला है स्पेस में। एक समय था मैंने कहीं पढ़ा था कि शायद मुझे लगता है मार्स मिशन के समय भी पढ़ा था, एक पेपर में कटिंग मैंने देखी थी कि क्या होता है रॉकेट को क्या होता है साइकिल पे लाद कर ले जाया जा रहा था सेंटर पे, ताकि वहाँ से इसको एक्सपोज ऑफ किया जाए, इसको उड़ाया जाए। बताइए उस चित्र को देख के उसी लेख में मैंने पढ़ा था कि क्या होता है उसी चित्र को देख के विदेशी जो मुल्क थे वो ये कहते थे कि ये गाय बैल का देश है, यहाँ पे गोबरें होती हैं, मिट्टियाँ हैं, ये क्या आगे बढ़ेगा। लेकिन आज हम उस मुकाम पर पहुँच गए हैं कि हमने भले ही सॉफ्ट लैंडिंग हम ना करा पाए, देखिए साइंस है, 1000 एक्सपेरिमेंट के बाद तो बल्ब का आविष्कार हुआ, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, तो ये तो साइंस है, फेल्योर और सक्सेस लगी रहती है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब तक आदमी फेल नहीं होगा उसे सक्सेस की वैल्यू समझ में नहीं आएगी, और जब फेल होगा तभी तो वो सीखेगा कि उसने गलती कहाँ की थी। अब इन्हीं सारी चीज़ों के साथ और दुआओं के साथ मैं अमित कुमार दुबे आपसे विदा लेता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये 11 सितंबर 2019 का ये एडिटोरियल पेज काफ़ी अच्छा लगा होगा, एडिटोरियल एनालिसिस काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अमित कुमार दुबे आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। गुड नाइट, गुड बाय, सब आखिर।